अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, यू आर वाचिंग होम शेफ विद सिमरा। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वन मोर रेसिपी फॉर रमज़ान स्पेशल, दिस इज़ ग्रेप्स डिज़र्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रेप डिज़र्ट की रेसिपी, और ये मीठे मीठे और यम्मी ग्रेप्स का सीज़न भी चल रहा है, जो कि आप इजीली बाहर से लेके इस डिज़र्ट को अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और रमज़ान में तो ये रेसिपी बेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg ग्रीन ग्रेप्स, तो इसे मैंने वॉश कर लिया है और अब इसका निकालेंगे जूस। यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक जार में, और 1 glass ऑफ वाटर इसमें ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है ग्राइंड, इसके वेस्ट को सेपरेट कर लेंगे और इसके जूस को सेपरेट कर लेंगे। तो ये 1.5 glass जूस है, इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये 1.5 glass है तो इसके मेजरमेंट के हिसाब से ही 1 cup कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है कि बस इक्वल होना चाहिए सारे मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया है 1 cup, और इसे फ़ौरन से स्टर कर लेंगे, क्योंकि ये पानी में जाते ही, लिक्विड में जाते ही इसके लम्स बन जाते हैं या ये बॉटम में जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने कर लिया है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन एडिबल कलर। इसका नेचुरल कलर तो बहुत अच्छा आया था, बट और अच्छा ग्रीन कलर लाने के लिए और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और अपीलिंग टू आइज लगने के लिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर इसमें ऐड कर दिया है 2 to 3 drops, और इसका भी कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया था, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कलर इसमें ऐड करते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कलर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और जो नेचुरल ग्रेप्स का ग्रीन कलर आता है आप उसके साथ भी इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अब कर लेना है कुक। तो यहाँ पे मैंने 2 tablespoons इसमें शुगर ऐड कर दी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रेप्स जितने मीठे हों लेकिन उसका फ्लेवर हमेशा टैंगी ही रहता है। अगर आपको टैंगी फ्लेवर पसंद है तो आप शुगर कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 tablespoons शुगर ऐड की थी। तो ये कुक होते होते धीरे धीरे थिक होने लग जाएगा, और आपको इसे अच्छे से थिक होने तक कुक करना है। अगर ये पैन में बहुत ज़्यादा स्टिकी होने लगे तो आप इसमें क्लारीफाइड बटर या नॉर्मल बटर 1 tablespoon ऐड करके इसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुक हो चुका है। देन यहाँ मैंने ले ली है ग्लास प्लेटर, जिसके बॉटम में मैंने आलमंड्स एंड पिस्ता ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इसका नीचे से भी डेकोरेटिव आना चाहिए लुक और ऊपर से भी। अगर आपके पास ग्लास प्लेटर नहीं है तो आप सीनी स्टील की या कोई प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो देन अब यहाँ पे सारा मिक्सचर पोर कर लेंगे, और मैं अब दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इतना आपको थिक रखना है, जस्ट लाइक स्लाइम होता है ना थिक सा, वैसे ही। तो इसको सारा पोर कर देंगे, तो अच्छे से पोर करना है सारा, और आपको इसमें अच्छे से सेट कर देना है। बहुत जेंटली आपको इसे सेट करना है, जेंटली हैंड से, और इसको 5 minutes के लिए बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, एंड देन 1 hour के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में। अगर आपके पास 1 hour से ज़्यादा है और आपसे सब्र हो रहा है, आप में इतना पेशेंस है कि आप इसको और देर तक के फ्रिज में रख सकते हैं, तो 1.5 hour या 2 hour भी आप इसे फ्रिज में रखें तो ये और परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो इसको रखते हैं फ्रिज में, आफ्टर 1 hour इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 hour हो चुका है। इसके टॉप पे मैंने पिस्ता पाउडर ऐड किया है, आप कोई अदर टॉपिंग या नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, आप ट्रायंगल या अदर शेप में भी इसे कट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी कट हो गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत स्मूथ बना था। और देखिए ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सिंपल सी जस्ट 2 ingredients के साथ रेडी होने वाली ग्रेप डिज़र्ट की रेसिपी इस रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव, अपीलिंग टू आइज और कैची रेसिपी है, बट ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टैंगी फ्लेवर के साथ स्वीट फ्लेवर भी। और आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाएं अपने गेस्ट के लिए, इफ्तार पार्टी के लिए। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।